नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। क्या इस वॉलेटिलिटी भरे बाजार में एफएमसीजी के इस स्टॉक में निवेश करना सही रहेगा? और आप कह सकते हैं दोस्तों, एडिबल ऑयल के क्षेत्र में ये एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। प्लस जिस तरह से चैलेंज देखने को मिला दोस्तों, इस तरह आप कह लीजिए इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई, उस हिसाब से इसने अपने आप बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया। स्टॉक बहुत ज्यादा ना गिरा है ना बहुत ज्यादा भागा है, बहुत अच्छे लेवल्स में मिल रहा है, एक अच्छे सपोर्ट के पास में है। तो क्या ऐसे समय में इस स्टॉक में निवेश करना सही होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म? वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको पहले शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.95% की तेजी दोस्तों, कितनी 2.95% की आपको यहां पे आज तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, बात करें अगर ये स्टॉक किस तरह ट्रेड किया है पिछले 5 दिनों में दोस्तों, इस स्टॉक ने 1.72, 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न, 6 महीनों में भी नेगेटिव रिटर्न। लेकिन आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है, ये स्टॉक ना एक ही रेंज में दोस्तों ट्रेड कर रहा है। देखिए इसकी जो ऊपरी टिप है वो यहां पे है और जो निचले टिप रही वो यहां पे रही, तो ये ना इसे तोड़ पा रहा है ना नीचे बॉटम में इसे तोड़ पा रहा है, और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों उसी के आसपास कर रहा है। आपको मैं अच्छे से इलैबोरेट करूंगा, अभी छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि आपको एक छोटा सा प्रथम दृष्टि आपको समझाने की कोशिश की। ये रहा इसका 1 साल का चार्ट, ठीक है। आप देखिए ये जो यहां टॉप से जो गिरा उसने यहां बॉटम बनाना शुरू किया, पेश किया है यहां पे अपना बॉटम बनाया है, और वहां उसके बाद से दोस्तों देखिए ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है। देखिए यहां पे सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहा है, और ये कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका मैं आपको समझाऊं तो ये देखिए आप पिछले 5 साल का इसका चार्ट देखिए, और जब 5 साल का चार्ट देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट है इस कंपनी के लिए। क्योंकि अगर ये टूटेगा ना दोस्तों सपोर्ट, फिर इसे ये जो गैप है इसका इसे फुलफिल करने यहां आना पड़ेगा, और इसे अपने जो ये है सपोर्ट यहां ट्रेड करना पड़ेगा। तो देखिए ये कौन सा तगड़ा सपोर्ट है, ये है दोस्तों 459 रुपीज का, ठीक है 459 रुपीज का। और अगर ये टूटता है उसका सीधा जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो 411 के आसपास मिलेगा, ठीक है 411 के आसपास। तो मुझे पर्सनली लगता है ये लेवल्स, क्यों देखिए 500 इसके लिए भी करेंटली कह सकते हैं आप, जो नियरेस्ट जो कह लीजिए जो रेजिस्टेंस है वो ₹500 है, और निचले स्तरों पे आप देखिए अभी इसने जो एक तेजी दिखाई है उसके समय में मुझे लगता है कि बिटवीन 450 टू 475 इसके बीच में ये काफी अच्छा स्टॉक है दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यहां पे निवेश स्टार्ट करना। और जब मैंने लास्ट टाइम मेरे को में वीडियो बनाया था दोस्तों, ये लगभग 375 के आसपास, माफ कीजिए 375 के आसपास ट्रेड कर रहा था मेरे लास्ट मेरे को के वीडियो, मैंने कहा था देखिए बाजार अभी वॉलेटाइल ही रहेगा, कोई आप एकदम मल्टीफोल्ड रिटर्न नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ अगर आप इन स्तरों में इसमें निवेश करते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म आपको ये स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा दोस्तों, अच्छे लेवल्स में मिल रहा है। क्योंकि देखिए आप सफोला सुने होंगे, सफोला ऑयल जो आता है ये मैरिको का ही एक ब्रांड है दोस्तों, और जिस तरह बाजार इतना वॉलेटाइल है, एक या दो डिफेंसिव स्टॉक, डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होने चाहिए दोस्तों। और अगर बात करूं आप थोड़ा बताने की कि भाई ये करता क्या है, कि मैरिको की एक्चुअली कैसी कंपनी है, तो देखिए आप समझिए इट इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इन्वेस्टर्स आर गेटिंग गुड डिस्काउंट एट द स्टॉक कंसीडरिंग इट्स करंट प्राइस ऑफ 484। ठीक है, जब ये वीडियो बने, जब ये आर्टिकल लिखा गया था तब ये 484 पे ट्रेड कर रहा था, करेंटली ये स्टॉक 492 पे कर रहा है। इट हैज फॉलन फ्रॉम द हाई ऑफ 607, 607 रुपए के 52 वीक हाई से काफी ज्यादा टूट चुका है। स्टॉक लाइक दिस डू नॉट विटनेस फ्रीक्वेंट डिक्लाइन, एंड इफ द प्राइस हैज फॉलन बाय नियरली 20.26 इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। ये यही कह रहे हैं कि भाई ये जो जैसे मैरिको जैसे स्टॉक ये कोई बहुत ज्यादा नहीं टूटते, लेकिन जब ये ऊपरी स्तरों से 20.26% टूट चुके हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। इट इज इंपॉर्टेंट टू सी द फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक, इट्स डिविडेंड यील्ड इज 1.91%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 36.58%, एंड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.5%। यानी फंडामेंटल स्टॉक में जो आप निवेश करते हैं उसके तमाम पैरामीटर ये काफी शानदार तरीके से आप कह सकते हैं फुलफिल कर रहा है, चाहे वो ROE हो, चाहे वो ROCE हो, चाहे वो डिविडेंड यील्ड हो दोस्तों।
कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री। मैं हमेशा कहता हूं लॉन्ग टर्म के उसमें निवेश करें जो डेट फ्री कंपनीज हो। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट अ रिटेल इन्वेस्टर मस्ट लुक फॉर। इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू चेक इफ द कंपनी इज कॉन्सिस्टेंटली पेइंग आउट डिविडेंड एज इट कैन बी अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर इन्वेस्टर। देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो जो डिविडेंड है वो 2-3%, 1%, 1.5% के आसपास का हो तो आपको एक कॉन्स्टेंट इनकम में मिलती रहती है। तो देखिए, दीज पैरामीटर इंडिकेट दैट द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू गिव यू अ गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। इफ यू लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न यू विल सी दैट 59% आर प्रमोटर्स, 8% आर पब्लिक एंड 34 आर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग व्हिच इंडिकेट दैट दिस स्टॉक हैज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस। ये इतना ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दोस्तों कि प्रमोटर की होल्डिंग 59% यानी इनसाइडर की होल्डिंग 59% है। आप देखिए जो पब्लिक है उसके पास 8% है और जो इंडिविजुअल जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है दोस्तों, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स वो 34% है। ठीक है, 34% यानी कि आप समझिए कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है यानी जो पब्लिक की जो लिक्विड मार्केट में जो वो स्टॉक्स है वो काफी कम है दोस्तों। और ये देखिए ये दर्शाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कितना तगड़ा कंटेंडर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन दिस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक टू रिसीव पोटेंशियल रिटर्न इन लॉन्गर टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म में इतने जबरदस्त मजबूती वाले स्टॉक्स में निवेश करना बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक, आगे अगर मैं आपको दिखाऊं मैरिको की डिविडेंड हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो देखिए मैरिको हैज अ गुड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड इट हैज बीन रेगुलरली पेइंग इट डिविडेंड फॉर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में लगातार डिविडेंड पे कर रही है और फॉर मार्च 2022 द कंपनी पेड एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ ₹9.25 पर शेयर। ₹9.25 के ये डिविडेंड लगातार दोस्तों शेयर करती है अपने निवेशकों के साथ बांट रही है। और अगर मैरिको के बारे में अगर आपको जाना देखिए, मैरिको लिमिटेड इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज ऑपरेटिंग इन द ग्लोबल ब्यूटी एंड वेलनेस कैटेगरीज। मैरिको नेचर्स लीडिंग ब्रांड्स अक्रॉस कैटेगरीज ऑफ हेयर केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, एडिबल ऑयल्स, इम्यूनिटी बूस्टिंग एंड हेल्थी यूनिट। मैरिको की एक और सबसे बड़ी ब्रांड जो आपको पता होनी चाहिए वो है पैराशूट हेयर ऑयल दोस्तों। पैराशूट हेयर ऑयल, सफोला तेल, ये तमाम जैसे बड़े ब्रांड्स इसके पास है दोस्तों। मैं इसमें निवेश के उन्हीं को सलाह दूंगा जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं इस वोलेटाइल मार्केट में भी, एक ऐसे स्टॉक को जो ऊपरी स्तर से अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है और डाउनसाइड के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में मैरिको एक बहुत अच्छा कंटेंडर हो सकता है दोस्तों इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैरिको इसीलिए मुझे भी पसंद दोस्तों कि इसके बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे हैं, इसके ब्रांड्स बहुत शानदार हैं और थोड़ा लो वोलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। कोई बहुत तेज ऊपर भागता या नीचे तेजी से नहीं भागता और ऊपर स्तर से काफी अच्छा करेक्ट भी हो चुका है। तो फॉर अ लॉन्गर टर्म मैरिको में मुझे बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल दिखता है दोस्तों। तो यदि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।